हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 404 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ टाइम से देखो तो भाई साहब परफॉर्मेंस के नाम पर नहीं है। यहाँ पर एक महीने में ही ये 13% से भी ज़्यादा गिर चुका है, तो लगातार करेक्शन बना है। 470 रुपए से गिरता हुआ नीचे आ रहा है। इवन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 5% की तेज़ी है। जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आई थी, 370 से एक झटके में ये भागा था, 490 पर गया था, लेकिन बाद में करेक्शन बना, वापस 430 रुपए के आसपास आया, फिर तेजी दिखाई और उसके बाद अब 430 रुपए का भी लेवल तोड़कर 400 रुपए पर जाने की ये कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए तो पिछले एक साल में कोई पैसा नहीं बना है। हाँ, हायर लेवल और लोअर लेवल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पैसे की बात करोगे तो भाई साहब वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से ये शुरू हुआ था। बात करेंगे उसके बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो एक टाइम था जब इसको कोविड के टाइम पे मार्केट का जोकर कहा जाता था। अब देखिए, इसने परफॉर्म नहीं करा था लंबे समय तक, लेकिन जब भागना शुरू करा ना तो पैसा डबल से भी ज़्यादा बहुत कम टाइम में कर दिया। 25 फरवरी 2022 को ये 200 रुपये के आसपास था, बाद में ये जुलाई आते आते डेढ़ साल से भी कम टाइम में ये 490 पर चला गया। तो बेहतरीन तेज़ी आई यहाँ पर, लेकिन अभी वापस से वही फॉर्मेशन बन रहा है जो पहले भी बना था, जो जून 2020 से लेकर फरवरी 2022 के दौरान बना था। दो साल तक परफॉर्म नहीं करा था इसने, डेढ़ दो साल तक परफॉर्म नहीं करा था इसने, कुछ परफॉर्म नहीं था। बाद में बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि कुछ टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे, लेकिन वापस से दोबारा तेज़ी की तरफ जरूर जाएगा जब दोबारा चर्चा शुरू होगी कंपनी के डीमर्जर को लेकर, क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे हैं इनके। अगर हम इनके वेबसाइट पे चलेंगे तो भैया इनके बिजनेस कितने हैं, FMCG में भी है, होटल बिजनेस भी है, एग्री बिजनेस भी है इनका, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी का भी बिजनेस है, IT का बिजनेस है, पैकेजिंग वगैरह का भी इनका बिजनेस, खुद का ही सारा का सारा बिजनेस है। FMCG में अगर आप देखोगे तो कई सारी इनकी ब्रांड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, आशीर्वाद से लेकर सनफिश से लेकर बिंगो से लेकर EP से लेकर सेवलॉन से लेकर कई सारी है, यहाँ पर क्लासमेट से लेकर बहुत सारी है। होटल भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब इन्होंने कोविड के टाइम में बहुत बड़े पैमाने पर अपने होटल बिजनेसेस को ग्रो करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये एग्री बिजनेस में भी ये बहुत आगे है, और जहाँ तक बात करी जाए पिछले 10 महीने के लो पर ये आ चुका है हाल फिलहाल में, और एनालिस्ट अभी भी मानते हैं जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो इम्पैक्ट रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पर बीच में जो गिरावट जो ट्रिगर करा था वो ये था कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको जो है, जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस कंपनी में, बीच में खबर आई थी कि वो यहाँ पर बेचकर मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेच सकते हैं, और उसी को लेकर एक गिरावट कह लो वो यहाँ पर देखने को मिली थी। एनालिस्ट एंड ट्रेडर्स ट्रैकिंग ITC से द प्रपोज टेक सेल डज नॉट चेंज द फंडामेंटल पिक्चर बट कुड पुट प्रेशर ऑन द स्टॉक। ये कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रेशर जरूर क्रिएट करेगा ये स्टॉक्स पर। और इसी को लेकर अगर आप देखोगे तो जो जेफरीज की जो यहाँ पर है, रिसेंटली उन्होंने डाउनग्रेड करा है स्टॉक को और बाई से होल्ड की रेटिंग में डाला हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करेंगे तो ITC में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट कह लो इनका, वो सभी का है, मतलब जो सिगरेट का है वो भी ग्रो हो रहा है। अगर फाइनेंशियल 2024 की अगर हम बात करने जाएं तो ये लगातार ये 21 के मुकाबले 22 23 और 24 में ग्रो हुआ है। FMCG और अदर्स में भी बहुत बड़ा जंप हम देख सकते हैं कि देखने को मिला है, और सबसे बड़ा जंप जो है वो अगर परसेंटेज वाइज अगर हम काउंट करें तो इनके होटल बिजनेस में है, 235 करोड़ से बढ़कर 840 पे आ चुके। तो होटल बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो होता नज़र आ रहा है, जो कि बड़ी बात है कि इनका होटल बिजनेस अच्छे से ग्रो तो ज़रूर कर रहा है, जो कि बेहतरीन चीज़ है। और देखिए, आने वाले टाइम में ये जो बिजनेस है, चाहे वो FMCG का हो, चाहे वो होटल का हो, चाहे वो IT का हो, चाहे वो एग्री बिजनेस हो, डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे ग्रो होने के, और डीमर्ज होने के भी यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। और जेफरीज ने अभी हाल फिलहाल में इसको बाई से होल्ड में डाला था, तो जो पहले टारगेट 520 का था उसको घटाकर 430 रुपए के आसपास तक कर दिया गया था यहाँ पर। तो देखा जाए तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर है, वॉल्यूम का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गेम चल रहा है, तकरीबन 3.75 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहां पर चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है, लेकिन वही कि जो पहले पे कर रहा था उतना ही कर रहा है। देखो, शेयर भले ही डबल हो गया,
ठीक है, शेयर भले ही डबल हो गया लेकिन डिविडेंड वो डबल नहीं हुआ, क्योंकि देखो रेवेन्यू बढ़े जरूर है, प्रॉफिट बढ़े जरूर है, लेकिन डबल भी तो नहीं हुए है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, देखो ये वो कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करने के लिए जानी जाती है। जब 200 रुपये पर ट्रेड करा था तब इसका जो डिविडेंड था, मतलब पहले 6 रुपये का था, फिर 2 रुपये 75 पैसे, फिर 6 रुपये पे 75 पैसे, इस बार भी जो पे करा है वो 6 रुपये पे 25 पैसे का ही पे करा है, मतलब 25 पैसा ही ज़्यादा पे करा है पिछले साल के मुकाबले। तो देखा जाए तो जो डिविडेंड यहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने बढ़ाकर दिया है, और अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। और रेवेन्यू में तेज़ी ज़रूर है अगर आप एनुअली देखोगे तो, और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करेंगे तो कंपनी में जो इसका पी रेशियो है वो 24 से 25 के आसपास का है, सेक्टर पी 49 के करीब का देखने को मिल रहा है। 89% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इनके फिनेंशियल्स की तरफ नज़र करें तो कंपनी के फिनेंशियल डेफिनेटली ग्रो हुए हैं, बड़े हैं यहाँ पर इनफैक्ट, और रेवेन्यू भी, और देखो तो प्रॉफिट भी देखो तो अच्छे खासे हैं। इवन अगर हम इनके वैल्यूएशन की भी बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र ज़रूर आया है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स भी है, डोमेस्टिक भी है, 32.32% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, 43.24% एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स और अदर्स की कुल मिलाकर 14.79% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.28% पर है, अदर पार्टीज 3.52% का स्टेक जो है वो लेकर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर आईटीसी को लेकर देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी मैं कहूँगा। बस ये है कि भाई साहब जो बीच में एक खबर आई थी कि भैया जो प्रमोटर है यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पर बिकवाली कर, जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी बेच सकते हैं, और उसी खबर ने थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रिगर करा है गिरावट को लेकर, और ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी करा है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में जब दोबारा से हम खबरें सुनेंगे डीमर्जर को लेकर तो वापस से भागना भी शुरू करेगा ये, और प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, डिविडेंड भी यहाँ पर अच्छा है। अगर गिरावट यहाँ से आती है तो अगेन मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। अभी भी देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन ये दिखाता है, 400 रुपये के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं 380 385 का वो लेवल होगा जहाँ पर खरीदारी के बेहतरीन मौके आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी खरीद कर नहीं बैठ जाने चाहिए। और एफएमसीजी में डेफिनेटली मुझे इनका जो टोबेको का बिजनेस है उससे ज़्यादा मुझे इनका एफएमसीजी और होटल का बिजनेस अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर अभी भी वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है। जब बिजनेस अलग होंगे तो उसको होटल का वैल्यूएशन मिलेगा, उसको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिलेगा, तो इस चीज़ के बारे में याद रखेगा। तो आईटीसी कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूंगा कि अभी भी कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, तो इमीडिएट रिटर्न के लिए अगर आप आए हो तो मत आना, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए हो तो ही बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। थैंक यू।